हेलो माय मोमोस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड। सो या टुडे आई एम बैक विद न्यू टॉपिक। ओके, एंड एज यू नो दिस काइंड ऑफ टॉपिक आर नॉट वेरी मच डिसाइडेड। मैं चाहती हूँ कि जो भी है, जो भी चल रहा है या फिर हमारे इर्द गिर्द सोसाइटी में जो कुछ चल रहा है, ऐसे काइंड ऑफ टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करूं। सो दैट ऐसे ही, इसका कोई बेसिक रीज़न तो है नहीं कि मैं बताऊं आपको नॉलेज देना है या फिर मुझे ये जानना है, ये कुछ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस काइंड ऑफ वीडियो आई जस्ट मेक फॉर यू गाइज फॉर जस्ट फन ओनली, एंड ऑल्सो देयर इज नॉट वेरी स्पेसिफिक रीज़न और वेरी there is no that kind of specific reason to provide this kind of videos. So I'll make this kind of video just for fun and just for a chill out sometime. Yeah, after the COVID situation, this kind of schedule are very much tough for us because from last two and a half years we are very much हम जो है घर में रहने के लिए ये हो गया है, सर्दी लग गई मुझे। So anyway, and I know that very often you are not finding this kind of videos in any another channel or something. So yeah, for that reason I thought to make some new kind of thingy jo aapko thoda ye de sake, entertain de sake, and some new kind of content jo mujhe bahut acha lagta hai. Sometime kya hota hai, like hame ye karna hai, wo karna hai, wo karna hai, as our plan it not goes very smoothly at that time, at that moment, right? And there are a lot of drawback that for that we think but yeah, we are social animal, right? And we have to live in our society whatever we think ke hame rehna hai ya nahi rehna hai, but we have to. Okay, so for that hamare jo earth girth mein rehte hain bahut sare log hain, unke alag alag opinion bhi rehta hai kyunki they are not a individual person, right? So for that only they have their own opinion about जो भी कुछ होता है उसके लिए आप उनके ओन ओपिनियन होते हैं। तो नाउ द थिंग इज दैट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दिस मीडिया सेक्शन, अबाउट दिस सोशल मीडिया काइंड ऑफ थिंगी, और अबाउट द एनी काइंड ऑफ बिजनेस, वट एवर इट इज, एनी काइंड ऑफ बिजनेस, राइट? व्हेन आई वाज स्टार्ट यूट्यूब इन 2020, I guess, yeah. At that time, I don't have any knowledge about YouTube. Yeah. Even at that time, I'm not that much fond of a social media, and also I'm not very much comfortable to use Facebook and Insta and all. Even very rarely I put a photo or something in Facebook at that time because मुझे ये अच्छा नहीं लगता था, मुझे टाइम नहीं मिलता था बिकॉज बहुत 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 ज़्यादा पढ़ाई करना होता था, बिकॉज मैं तब जॉब नहीं मुझे मिला था, इसीलिए इंटरव्यू एंड ऑल ये सब रहता था। तो इसीलिए मैं फेसबुक में थी, जस्ट फॉर थी, कुछ भी नहीं करती थी, एकदम एक एक्टिव नहीं थी, डेड था मेरा फेसबुक, इंस्टा, सब कुछ डेड था। एंड इवन आई didn't think के मैं कभी ये सोशल मीडिया में काम करूँगी एंड ऑल, कभी भी मैंने ऐसा इस बारे में सोचा ही नहीं था। एंड व्हाट आई से, लाइक मुझे ये करना है, ऐसा कुछ कभी नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे बस ये था कि मैं एक जॉब करूँगी, प्रोफेसर बनूँगी एंड उसके बाद उसी में डूबी रहूँगी। बट टाइम के बाद जब कोविड आया एंड लाइक माय वर्क एट होम, एंड एट द टाइम आई हैव
good enough time to do this kind of thingy, to do any other kind of thingy. And I'm a person that मैं कभी भी एक चीज़ को लेके बैठ नहीं सकती हूँ. मुझे कुछ ना कुछ हर रोज करना रहता है. एंड आई लव टू एक्सप्लोर थिंगीज. सो जिसके बारे में मुझे नहीं पता है, मुझे उसके बारे में जानना, उसको समझना, रिसर्च करना बहुत 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 ज़्यादा पसंद है. बिकॉज ऑल्सो इट इज़ माई वर्क ऑल्सो, बिकॉज एज स्कॉलर आई नीड टू रिसर्च अ लॉट. सो या वहाँ से ही ये जो मेरा नेचर है वो आई थिंक आया है. सो दैट्स वाई आई हैव टू लाइक आई लव टू रिसर्च अ लॉट फॉर एनी थिंग एंड एवरी थिंग. ओके एंड आफ्टर अ लॉन्ग बैक आई ऑल्सो स्टार्ट माई इंस्टा टू. सो या सोशल मीडिया इज़ नॉट दैट मच जो लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, बट आई डोंट थिंक सो. But it's doesn't matter what I think or not. So yeah, this is the thing. And our society, like, they think ke, what is it, I don't know, society, we are social animal, yeah, I know that very well. But the society is very very much what is it, I don't have that specific word जिससे मैं इसको एलैबोरेट कर सकूं कि सोसाइटी क्या है क्या नहीं है. हर किसी के लिए सोसाइटी के जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो अलग अलग होता है. जो लोग होते हैं अलग अलग होता है. आप कैसे सोसाइटी में रहते हो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल विलेज इन वेस्ट बंगाल. आई नो दैट what they think about this social media, about this platform, about this jazzy kind of thingy. They think क्यों कर रही हो, क्योंकि YouTube and all, it's not a good, very much good platform for you because you are a professor. So think you didn't think कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है. क्यों अपने बारे में explore कर रही हो, क्यों अपने बारे में हर किसी को बता रही हो, क्यों अपने जो lifestyle है उसके बारे में हर किसी को बता रही हो. And क्या 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 वट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस कि तुम ये कर रही हो. बिकॉज यू हैव अ वेरी गुड जॉब, गुड एंड अ डिसेंट अमाउंट ऑफ सैलरी यू ऑल्सो गेट फ्रॉम योर जॉब, राइट? सो वट इज़ द रीज़न. आई थिंक थोड़ी सी मोटी हो रही हूँ मुझे, तो मुझे और ज़्यादा ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा. सो एनी वे द थिंग इज दैट कि या सोसाइटी थिंक्स वेरी 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 छोटी सोच है उनकी. हाँ, आप अगर कुछ करोगे तो बोलेंगे क्यों कर रही हो, आप अगर कुछ नहीं करोगे तो बोलेंगे इतना पढ़ाई करने से क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं कर रही हो तो पढ़ाई क्यों की, लाइक दैट. ओके, सो वट एवर यू डिड, सोसाइटी थिंक दैट इट्स नॉट वेरी गुड फॉर यू. सो हु द हेल इज़ दिस सोसाइटी, राइट? जो आपके डिसीजन लेगा, राइट? यू आर द पर्सन, यू हैव टू डू whatever you need to do, whatever you think that it is good for you, whatever you need want to do, and this is completely your choice, your life, your decision. So who the hell is this society, right? I don't believe this kind of society. And या मैं इनसे दूर रहती हूँ. मुझे सोसाइटी एंड ऑल एंड उनके ओपिनियन एंड ऑल के पिछड़े में पड़ना ही नहीं है, बिकॉज दे आर लाइक अ सेट थॉट. इफ़ यू थिंक अबाउट देम देन आई डोंट थिंक कि आप कुछ कर पाओगे लाइफ में, आगे बढ़ पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे. एज आई टोल्ड यू दैट वो या मैं कुछ भी करूँगी, ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, सभी के बारे में है. कोई भी अगर कुछ करेगा, हम जो गर्ल्स होते हैं, हम अगर कुछ भी करने जाएँ तो बहुत सारे बातें आते हैं, राइट? एंड इफ़ इट इज़ अबाउट एनी काइंड ऑफ बिजनेस और एनी काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ फटे से लाइक यूट्यूब, इंस्टा ऑल्सो काइंड ऑफ अ बिजनेस, राइट? इट्स नॉट अ वेरी दैट के आपको महीने के एंड में इतना सैलरी मिलेगा जो लाइक 9 to 5 के जॉब में होता है. ऐसा काइंड ऑफ तो ये बिल्कुल भी नहीं है. किसी महीने, मैं आगे भी आपको बोल चुकी हूँ कि किसी महीने अच्छा खासा सैलरी मिलता है, किसी महीने में नहीं मिलता है. तो ये होता रह जाता है, ये फ्लैक्चुएट होता रहता है, राइट? सो द थिंग इज दैट के हाँ, दिस इज़ द थिंग जो
होता है यूट्यूब में, एंड ऑब्वियसली 9 to 5 में नहीं होता है, बट या ऑब्वियसली इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस. अगर मुझे करना है 9 to 5 का जॉब, देन या आई एम डूइंग इट, एंड इफ आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट, ये भी ठीक है मेरे लिए, क्योंकि मुझे डिसाइड करना है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है. एंड इसका जो कलर है देख सकते थोड़ा सा फेड हो गया है, सो बिकॉज आई डोंट थिंक के ये एंटी टैनिस वाले हैं, तो आई विल पिक इट अप फ्रॉम आई इंस्टा स्टोर, एंड दे आर सेइंग के ये एंटी टैनिस है, बट इट्स नॉट. यू कैन सी गोल्डन कलर का जो ये है वो फेड हो गया है. सो या अगर आपको किसी के ओपिनियन, सोसाइटी के ओपिनियन लेना है उसके बाद कुछ करना है तो मत ही करो. आई विल सजेस्ट कि मत ही करो, इसमें मत आओ, क्योंकि आप सर्वाइव नहीं कर पाओगी. एंड हर रोज आपको सोसाइटी कहेंगे कि क्यों कर रही हो, कि ये है क्या बोलते हैं उसको, किस बात की ये है कि आपको ये करना पड़ रहा है एंड ऑल. इससे ज़्यादा अच्छा है आप घर पे बैठो. दिस इज़ अ ओपिनियन. ओके, सो इफ़ यू वेरी मच, अगर आपको ये ठीक लगता है तो सुनो उनकी, बट मुझे ठीक नहीं लगता है. एंड आई, मुझे इतने ज़्यादा DMs आते हैं इस बारे में कि मुझे यूट्यूब करना है, मैं इसको शुरू करूँ या नहीं करूँ. इस एक पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन में इतने सारे DM आते हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आज के. अगर आपको करना है, आपको लगता है कि हाँ यू आर वेरी मच कम्फर्टेबल टू डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग इन सोशल प्लेटफॉर्म, देन लेट्स डू इट. डोंट वरी अबाउट एनीथिंग अबाउट योर सोसाइटी, अबाउट योर पेरेंट्स, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. ओके, इफ़ यू वॉन्ट टू डू इट जस्ट गो अहेड, एंड देयर इज़ अ पाथ, देयर इज़ बहुत कुछ आपको चलते चलते आगे समझ में आएगा जो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि हर किसी के अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, हर किसी के साथ एक ही चीज़ नहीं होता है. तो आपको ही समझ में ना पड़ेगा कि आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है, बट या ओवरऑल जो है वो मैं आपको बता दी हूँ कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होने वाला है. सो कीप योर माइंड वेरी 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 स्ट्रॉन्ग इफ़ यू वॉन्ट टू सर्वाइव दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म. तो हाँ, अपने माइंड को सेट करके फिर आओ, फिर करो कुछ भी करो. इसके लिए आपको किसी के मर्जी के थोड़ी ना ये होना चाहिए. आपको करना है करो, ये कोई प्रॉब्लमेटिक बात तो है नहीं, राइट? एंड या आई एम लाइक दैट काइंड ऑफ गर्ल, सो मुझे जो करना होता है मैं करती हूँ. ओके, इफ आई लाइक, मुझे अगर लगता है कि ये मेरे लिए ठीक है तो मैं करती हूँ, एंड मुझे अगर लगता है कि नहीं, 2-3-4 दिन 2 महीने के बाद भी अगर लगता है कि नो दिस इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी, देन आई क्विट दिस काइंड ऑफ थिंकिंग. तो हाँ, दिस इज़ द थिंक, एंड आई एम प्रिटी मच मेंटली, एंड या आई एम प्रिटी मच स्ट्रॉन्ग गर्ल, या आई कैन से इट वेरी प्राउडली, बिकॉज हाँ, मुझे अपने आप पे पूरा 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 भरोसा है. आई नो दैट अगर मुझे, मैं ठीक करती हूँ कि ये मुझे करना है तो मैं कर दूंगी. ओके, सो या दिस इज़ अ थिंग, एंड आई एम प्रिटी मच कॉन्फिडेंट अनफ अबाउट माई सेल्फ. या मैं नहीं कहूँगी कि मुझे एंग्जाइटी नहीं होते हैं, एंड कभी भी मैं वीक नहीं पड़ती हूँ किसी चीज़ को लेके. नहीं, आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बींग, राइट? सो आई ऑल्सो हैव वेरी क्रूशियल प्रॉब्लम, वेरी व्हाट इज़ इट लाइक, कभी कभी मुझे भी बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, एंग्जाइटी भी होती है, बिकॉज दिस इज़ काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर कुछ भी ये नहीं होता है कि आपको ये होगा, आपको आज ये काम करने पड़ेगा, आपको कल वो काम करना पड़ेगा, कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है. तो एंड ऑल्सो देर इज़ अ वेरी मच प्रॉब्लम अबाउट द ब्रांड्स. आई डोंट नो स्पेशली डे बाई डे जो ब्रांड्स के जो कम्युनिकेटिंग जो होता है, जो कंपनीज होते हैं उनके जो बिहेवियर हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं. इसके एक पूरा मैं रिव्यू शेयर करूँगी, एक वन एंड वन ओनली एक मेकअप ये है. इट्स नॉट अ मेकअप कंपनी, इट्स लाइक स्किन केयर कंपनी. यहाँ पर आपको बहुत कुछ मेकअप एंड स्किन केयर के प्रोडक्ट मिलते हैं, एंड इट इज़ अ वेल नोन ब्रांड. ओके, सो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगी, क्योंकि 4 महीने के कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला था, एंड
एक महीने के बाद उनका कोई जैसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इवन आई सारे ईमेल मैसेजेस बहुत सारे कर चुकी हूँ, उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो इस महीने देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं, उसके बाद मैं नेक्स्ट महीने आपको ज़रूर इसके इनके बारे में एक अच्छा खासा फीडबैक दूंगी, जो बहुत ही गंदा वाला फीडबैक होगा। हाँ, और आपको अगर उस ब्रांड से दूर रहना है और उनके जो प्रोडक्ट हैं, बोलूँगी मैं हर एक बात मैं खुलकर बोलूँगी आपको। बिकॉज़ अगर वो ये करते हैं कि रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, तो हम यूट्यूबर्स को भी चाहिए उनके बारे में जो सही सही चीज़ें हैं वो बताना। पैसा मिल रहा है इसीलिए बटरिंग करूँ, ऐसा ऐसी नहीं हूँ मैं। अगर वो पैसा भी देते हैं तो भी जो सही बात होती है, कोई भी प्रोडक्ट अगर अच्छी नहीं होती है तो मैं वही बोलती हूँ। इसके लिए मुझे बहुत बार बोला जाता है कि आप ये क्यों बोल रही हो, आप इसके बारे में ख़राब क्यों बोल रही हो, या आई एम लाइक दैट, अगर ये ख़राब होगा तो मुझे ख़राब बोलना पड़ेगा। एंड आपको अगर पसंद नहीं आ रहा है तो वाट एवर, जो करना है करो, बट मैं जो सही है वो ही मैं बताऊँगी। क्योंकि या यू आर गाइज लाइक यू आर माई फैमिली, एंड मैं गलत बोल के आपके पैसे क्यों बर्बाद करूँ, राइट? ऑल्सो यू गाइज हम लोगों को ट्रस्ट करते हैं, राइट? इसीलिए हम लोगों को देखते हैं। तो वी ऑल्सो हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको जो हम बताते हैं वो सही चीज़ें हो अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सो या दिस इज़ द थिंग। एंड उन उस ब्रांड के बारे में तो मैं बताती हूँ आपको अगले महीने, ये महीने देख लेती हूँ क्या वो करते हैं। बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, इसीलिए एंग्जाइटी भी मुझे बहुत बहुत बार होती है, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं जो अप्रोच करते हैं, उसके बाद काम हो जाता है, उसके बाद पैसे देते हैं बट बहुत बार बोलना पड़ता है, और एल्स कभी कभी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, एंड ऑल बहुत कुछ होता रहता है। एंड फुल वीडियो बनाने के बाद वो बोलता है ये एडिट कर दो, वो एडिट कर दो, फिर उसको फिर से रीशूट करना, उसके बाद एडिट करना, एंड फिर से अप्रूव कराना। बहुत लॉन्ग प्रोसीड्योर होते हैं जिनके लिए और 2-3 दिन टाइम लग जाता है। एंड यू गाइज नो दैट आई एम ऑल्सो अ प्रोफेसर, सो नाउडेज यू नो दैट बेंगलोर में सब कुछ खुल गया है एंड कॉलेज भी ओपन हो गया है। तो फॉर दैट आई हैव टू गो कॉलेज इन डेली बेसिस, तो मुझे कॉलेज भी जाना होता है। उसके बाद सब कुछ बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीडियर होता है, कभी कभी बहुत इरिटेटिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है सिचुएशन, बिकॉज मैं घर में ही हूँ और सातों के सातों दिन मेरे पास है, फ्री है, तो मैं कभी भी शूट करूँ ये नहीं होता है। आई एम नॉट दैट प्रिविलाइज, एंड ऑल्सो मुझे करना भी नहीं है, मुझे मेरा जो जॉब है वो भी करना है बिकॉज मुझे अच्छा लगता है। इसके लिए मैंने बहुत दिनों तक कई कई साल 23-24 साल मैंने पढ़ाई की हूँ, तो इसको मुझे छोड़ना नहीं है। सो इसीलिए आई लव टू डू दैट ऑल्सो। एंड उसके साथ ये भी करना रहता है, उसके साथ मेरा न्यू जो प्रोजेक्ट है वो भी आने वाला है, तो वहाँ पर भी बहुत सारे काम मैं कर रही हूँ। तो ऑल काइंड ऑफ थिंगिंग मैं सिंगल हैंडली ये कर रही हूँ, अरेंज कर रही हूँ, तो प्रॉब्लम होती है। ऑल्सो मेरे भाई जो है अभी बीटेक में है, तो उसका भी बहुत सारा इशू होता है कि ये हो रहा है क्या करूँ, वो हो रहा है क्या करूँ। कभी कभी तो मैं उसको टाइम भी नहीं दे सकती हूँ, टाइम नहीं दे पाती हूँ एक्चुअली, क्योंकि वो रात में 11-12 बजे कॉल करता है, एंड उस वक्त कभी मैं उस वक्त काम कर रही होती हूँ, तो वो ज़्यादा टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ अभी। तो वो भी है, फैमिली को तो छोड़ ही दो, कुछ भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ। 10-10, 12-12 दिन बाद मैं मम्मी पापा को फ़ोन करती हूँ अभी। तो या दिस इज़ द थिंग जो होता रहता है हर एक के साथ, ये होता रहता है। वेन एवर यू डू एनी काइंड ऑफ जॉब, वेन एवर यू हैव मच मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आपको करना होता है, तब ये सब होता है, हर किसी के साथ होता है। तो मुझे भी ये सब फेस करना पड़ता है, बट या एज आई टोल्ड यू दैट आई एम प्रिटी मच स्ट्रॉन्ग गर्ल टू डू एंड टू डू हैंडल दिस काइंड ऑफ थिंगी। तो मैं सब कुछ कर रही हूँ सिंगल हैंडली, एंड हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आई नो दैट वेरी वेल के हाँ, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। इस काइंड ऑफ वीडियोज बनाती हूँ फॉर या जस्ट फॉर यू ही। अगर आप चाहती हो कि हाँ कुछ
क्वेश्चन आंसरिंग काइंड ऑफ वीडियोज बनाऊँ, वो भी यू कैन आस्क मी फॉर दैट ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू डू दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन आंसर काइंड ऑफ थिंकिंग, दैट काइंड ऑफ शॉर्ट वीडियोज इफ यू वॉन्ट टू डू मी दैट यू कैन आस्क मी इन माई इंस्टाग्राम और यूट्यूब वट एवर वेन एवर यू वॉन्ट टू आस्क मी ओके बिकॉज दिस काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ वीडियोज आर वेरी मच बहुत ज़्यादा ईजियर होता है रादर देन इस काइंड ऑफ वीडियोज़ बनो ये वीडियोज़ बनाती हूँ इससे, क्योंकि वो जो होते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं आपके वो मैं सिलेक्ट कर लूँगी एंड उसके बाद कुछ कुछ आंसर दे दूँगी, तो मेकअप करते हुए और कुछ भी करते हुए अगर आंसर दे दूँगी तो मुझे दो वीडियोज़ हो जाएगा, एक मेरा मेकअप भी हो जाएगा एक वीडियोज़ भी चला जाएगा साथों साथ। उसके बाद मैं जो वीडियो बनाऊँगी उसके लिए मेकअप जो करना होता है एक घंटे का जो प्रोसीड्योर है वो भी हो जाएगा। तो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ वीडियो आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ईजियर होता है, बट मुझे अच्छा नहीं लगता है फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होता है, तो मुझे लगता है कि सब क्वेश्चन को एक साथ करके मैं एक ओवरऑल जो रिव्यू है ओवरऑल जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो आप जानना चाहती हो वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। ऐसा नहीं है किसी दो इंसान के बात को लेके फिर मैं ये DM लेके मैं उनका उसका आंसर कर दूँगी और बाकी के 10 को छोड़ दूँगी, ऐसा मुझे करना अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए आई डोंट मेक दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन आंसर काइंड ऑफ वीडियोज़ एंड इट इज़ वेरी मच ईजियर, ट्रस्ट मी गाइज ये बहुत ज़्यादा ईजियर होता है रादर देन एक घंटे आपके पास आधे घंटे वीडियोस जाता है उसके लिए मैं 1.5 घंटे बैठे बैठे आपको आपके साथ बातें करती हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है राइट। बट वो 10 मिनट के वीडियो बनाने के लिए मुझे 20 to 30 मिनट्स लगेगा, तो मेरे 1.5 घंटे में 3 वीडियोस बन जाएगा। बट मैं कभी भी ये नहीं करती हूँ कि क्या बोलते हैं उसको कुछ भी लाइक कभी भी जो आसानी से हो जाता है वैसा कुछ मुझे नहीं करना है। आई मेक अ गुड कंटेंट ऑन माई चैनल बिकॉज इट इज़ ऑल्सो बेबी फॉर मी, बिकॉज मैं इसको इस्टेब्लिश की हूँ अभी भी कर रही हूँ। आई नो के सब्सक्राइबर जो है थोड़े से कम होते हैं मेरे चैनल में बिकॉज आई डोंट नो वट इज़ द थिंग, बट व्यूअर्स व्यूज तो बहुत आते हैं, DMs भी बहुत आता है, तो आई नो के आप देखते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए थोड़ा थोड़ा सा, ताकि सब्सक्राइबर के जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अभी आई नो के सब्सक्राइबर एंड ऑल ये बहुत सारे लोग खरीदते हैं, सो मुझे खरीदना नहीं है, मुझे फेक सब्सक्राइबर और ये कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मुझे चाहिए होता तो अभी मैं 500-600K कर ली थी होती, बट मुझे नहीं चाहिए, इसीलिए जो मेरे रियल सब्सक्राइबर हैं उन्हीं को चाहिए। इसीलिए मैं कोई भी फेक सब्सक्राइबर एंड ऑल कभी भी नहीं खरीदती हूँ, कभी भी कमेंट्स जो होते हैं नहीं खरीदती हूँ एंड मुझे चाहिए भी नहीं। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप न्यू हो ये मत करो गाइस, इसको देखकर आपके पास कोई भी ब्रांड नहीं आएगा, बट आपका जो मेन कंटेंट है उसको इम्प्रोवाइज करो रादर देन ये फेक वाले सब्सक्राइबर खरीदने के लिए पैसा कमा के कुछ होगा नहीं, तो ये मत करो। एंड या आई नो इट वेरी वेल बिकॉज नाउ इट्स बिकम 2 and 2 years आई गेस अप्रोक्स, तो हाँ तो मुझे पता है यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है सब कुछ पता है, बट मैं वो करती नहीं हूँ बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगता है। या द थिंग इज़ दैट, तो दिस इज़ द थिंग एंड ऑल्सो आई एम नॉट डूइंग दैट काइंड ऑफ वीडियोज़, आई एम नॉट मेकिंग दैट काइंड ऑफ वीडियोज़ जो बहुत ज़्यादा ईजियर होता है, बट हाँ सब्सक्राइबर को अच्छे से ध्यान भी नहीं दे पाऊँगी मैं, 2 सब्सक्राइब करके बात को लेके मैं बता दूँगी, बाकी 10 के भी मेरे लिए तो सेम ही है ना, इसीलिए मैं ऐसे काइंड ऑफ वीडियोज़ भी नहीं बनाती हूँ। एंड ऑल्सो वट इज द थिंग इज़ दैट द टॉपिक इज़ दैट सोसाइटी राइट, तो सोसाइटी के बारे में ज़्यादा मत सोचो, कुछ भी करोगे उनको पसंद नहीं आएगा, सोसाइटी तो कहेंगे, मुझे भी कहते हैं, सभी को कहता है, इवन व्हेन आई डिसाइड टू गो एंड चूज माय जॉब एज अ प्रोफेसर ऑल्सो कहे वो लोगों ने कहा था कि क्यों कर रही हो, प्रोफेसर क्यों बनना है, क्यों ये सब जॉब वॉब नहीं करो, ये लड़कों के लिए ही अच्छा है, लड़कियाँ ऐसे काम नहीं करती है एंड ऑल बहुत कुछ होता है। तो
उनके बारे में मत सोचो, अभी भी बहुत कुछ बोलते हैं, अभी भी लाइक इट्स नॉट अबाउट द यूट्यूब एंड इंस्टा, इट्स अबाउट एनी काइंड ऑफ बिजनेस. इफ यू डूइंग एनी काइंड ऑफ स्मॉल बिजनेस टू इन वेरी व्हाट इज ए स्मॉल प्रस्पेक्टिव्स, लाइक इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर बिजनेस इन इंस्टा और समथिंग लाइक दैट, वहाँ पर भी लोग आ जाएंगे, बोलेंगे क्यों कर रही हो, इसमें बहुत ये लगता है, मेहनत लगती है, पैसा लगता है, तो मत करो, ये सब करने से कुछ भी नहीं होता है, एंड नाम खराब होगा, फैमिली का नाम खराब होगा एंड ऑल. तो बिजनेस करने से अगर फैमिली का नाम खराब होता है और घर बैठने से अगर फैमिली का नाम अच्छा होता है, तो मुझे नहीं अच्छा होना है. तो यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल एंड इफ यू वॉन्ट टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन आई डोंट थिंक के यू आर लाइक रॉन्ग थिंकिंग, राइट? व्हाट आई से, लाइक अभी जो सिचुएशन है, हर किसी लड़की को इंडिविजुअली फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बिकॉज कोई नहीं बोल सकता कब क्या होगा, कब क्या नहीं होगा, कब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाएगा. एंड पैसा इज़ लाइक, या मनी इज़ अ पावर, आई बिलीव को कोई दिक्कत नहीं होगा. सो इफ़ यू आर थिंकिंग टू मैरी समवन, देन डू अ गुड जॉब फॉर यू गर्ल्स. आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, एंड मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को भी इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आपके लाइफ है. कुछ ओन डिसीजन भी होना चाहिए एज अ इंडिविजुअल पर्सन. सो या, एंड जो अच्छा पार्टनर होगा उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. एंड मेरे जो हस्बैंड है वो मुझे बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हर किसी के चीज़ में. तो आई थिंक कि आप, अगर आपके पार्टनर ये है, अच्छे हैं एंड समझते हैं आपको, तो कुछ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा. एंड या आई नो दैट काइंड ऑफ पर्सन टू, जो कुछ कुछ प्रॉब्लम करते हैं. एंड स्ट्रिक्टली आई वुड सजेस्ट कि उनको ये रखो, दूर रहो इस सब से, आपके लाइफ से. अगर कोई कहता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, हाँ अगर ये गलत होता है तो ठीक है, अगर आप कुछ गलत करना चाहती हो तो फर्दर जाके अगर आपको लॉस उठाना पड़ेगा तो ठीक है, अदरवाइज आपको वो सुनना नहीं चाहिए. ओके, तो या दिस इज़ द थिंग. एंड जो अच्छा होगा उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ट्रस्ट मी गाइस, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा. फर्दर जाके आपको और ज़्यादा लाइफ लीड करने में और ज़्यादा अच्छा अच्छा लगेगा, बिकॉज एट द टाइम यू फील दैट यू आर इंडिपेंडेंट, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनी थिंग, यू डोंट नीड टू थिंक ट्वाइस टू स्पेंड योर मनी, बिकॉज इट ओन मनी, इट्स योर मनी, एंड यू डोंट नीड टू लाइक आपको किसी के सहारे की ज़रूरत है, किसी को पूछना पड़ेगा, ऐसा कुछ बात तो होगा नहीं. तो या, इट्स अ गुड थिंग, एंड हर किसी के लिए, हर किसी लड़की के लिए ये बहुत ज़रूरी बातें होते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करो, एक अच्छा वाला जॉब या बिजनेस और वट एवर यू वॉन्ट टू डू वो करो, सोसाइटी को दूर रख के. क्योंकि सोसाइटी के बारे में अगर सोचोगी तो कुछ भी नहीं कर पाओगी, घर में ही बैठी रह जाओगी, और उसके बाद शादी करोगी, शादी के बाद आई डोंट थिंक के अगर आपके पार्टनर अच्छा भी होगा तो आपको फ्रस्ट्रेशन तो कभी कभी होगा ही, बिकॉज यू आर नॉट इंडिपेंडेंट. तो मत करो, सोसाइटी के बारे में मत सोचो, सोसाइटी जो कहता है गलत ही होता है. या मुझे लगता है हर वक्त वो गलत ही बोलता है, उनको बात दूर रखो इस सब ये से, आपके जो लाइफ है, आपको लाइफ का जो डिसीजन है उससे दूर रखो. एज लाइक उनको किसी भी बारे में सोचना नहीं है, उनको जस्ट बताना है कि आप गलत हो. सोसाइटी कभी भी किसी बारे में सोचते नहीं है, सिर्फ उनको साबित करना होता है कि आप गलत हो, आप ये ना करो, क्योंकि वो कभी भी आपके सक्सेस या प्रोग्रेस या कुछ भी को वो सपोर्ट नहीं करेंगे. तो दूर रखो. फॉर माई नॉलेज, फॉर इट्स टोटली ऑब्वियसली, इट्स टोटली माई ओन ओपिनियन एंड माई ओन नॉलेज, माई ओन एक्सपीरियंस, बट या आई थिंक जो भी कुछ भी करना चाहती है उनके साथ ये तो होगा ही होगा, या फिर होता भी है. अगर आपके आसपास
कोई वर्किंग वुमन है या फिर कुछ अलग कुछ करना चाहती हो तो आप उनसे पूछ के भी देख सकती हो, ये होता है. नॉट वेरी मच, व्हाट इज इट लाइक, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी दैट आप आओ और कल ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा. टाइम लगेगा, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसीड्योर एंड ऑल्सो देर इज, बट या करो धीरे धीरे, करो धीरे धीरे होगा. कुछ नहीं करने से तो अच्छा है ना, कुछ करो. अगर कुछ भी नहीं ट्राई करोगे तो कैसे चलेगा, राइट? कुछ ट्राई करने के लिए आपको पहला स्टेप तो लेना ही पड़ेगा ना. पहला स्टेप लो, दूसरा तीसरा फोर्थ सब स्टेप आगे बढ़ता जाएगा. इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत तो होगी बट आपको लेना पड़ेगा, राइट? तो या दिस इज अप टू यू. इफ़ यू गाइज थिंक दैट मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, यू आर टोटली रॉन्ग अबाउट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. बिकॉज एज आई टोल्ड यू, आई एम ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज. इट्स नॉट अ टाउन, इट्स अ विलेज. सो यू कैन अंडरस्टैंड द पीपल आर द थिंकिंग अबाउट व्हाट इज इट लाइक थिंकिंग देयर, जो वो सोचते हैं एक लड़की के बारे में. आपको थोड़ा सा, अगर थोड़ा से भी पता होगा, आप समझ सकती हो कि वो क्या क्या सोचते हैं. अकॉर्डिंग टू देम, अच्छा खासा लड़का है, अच्छा खासा लड़का ढूंढ कर शादी कर लो और क्या, आपके लाइफ सेट है. बट या आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल. सो या मुझे तो करना था, मुझे जॉब भी करना था. अभी जॉब करने के बाद एक्चुअली मुझे ये लगा कि मुझे और भी कुछ एक्सप्लोर करना है, तो इसीलिए आई स्टार्ट माय यूट्यूब एंड ऑल. एंड नाउ आई एम प्रिटी मच हैप्पी विद दिस. एंड या दो देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, दो एवरी मंथ आई हैव टू टेक वेरी हार्ड डिसीजन अबाउट दिस काइंड ऑफ ब्रांड अप्रोच, बट स्टिल आई एम गुड डील दिस काइंड ऑफ थिंगी. मुझे अच्छा लगता है. एंड ऑल्सो आई एम वेरी मच गुड विथ माई जॉब ऑल्सो. एंड कोविड खुल गया है तो हर रोज़ तो जाना पड़ता है अभी. और वेनसडे को मैं फ्री रहती हूँ बिकॉज दैट डे आई डोंट नीड टू टेक एनी क्लासेस. और वेनसडे को फ्री रहती हूँ एंड तभी मैं कोशिश करती हूँ कि आई विल ट्राई के दो तीन वीडियोज़ अगर मैं बना सकूँ तो बना लेती हूँ. क्योंकि सैटरडे संडे को बहुत सा ज़्यादा काम भी होता है, क्योंकि इंस्टा भी होता है. इंस्टा के लिए बहुत सारे रील्स एंड फोटोज़ क्लिक करना पड़ता है, आउटडोर शूट करना पड़ता है, नॉल बहुत कुछ होता है. तो मैं ट्राई करती हूँ, आई विल ट्राई के दो से तीन और चार वीडियोस मैं यूट्यूब के लिए बना लूँ. एंड या दिस इज़ द होल प्रोसीड्योर, दिस इज़ द रूटीन विच आई फॉलो नाउडेज. एंड या दिस इज़ द थिंग विच आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू गाइज. एंड दिस इज़ द व्हाट आई से, दिस इज़ द होल थिंग. एंड या दैट्स इट. एंड यही सब मुझे आज शेयर करना था आपके साथ. प्लीज़ फॉलो माई वर्ड एंड स्टार्ट योर ओन वर्क, वॉट एवर यू नीड टू डू. ओके, एंड डोंट वेस्ट टाइम अबाउट थिंकिंग अबाउट सोसाइटी एंड ऑल. जो करना है करो, कोई सपोर्ट करे या नहीं करे, आपको करना है करो. आगे आगे चलते चलते सपोर्ट हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं. अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा. एंड अगर आपके पेरेंट्स नहीं साथ है तो आप उनको समझाओ, वो समझ जाएंगे. ओके, बिकॉज आफ्टर ऑल दे आर योर पेरेंट्स, राइट? दे लाइक आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे. तो हाँ, वो समझ जाएंगे. एंड डू वट एवर यू नीड टू डू. एंड या दैट्स इट फ्रॉम माई एंड. And yeah, next video will be come back soon. And देखती हूँ क्या होता है, ये ब्रांड क्या करता है देखती हूँ. उसके बाद मैं एक फुल ऑन रिव्यू दूंगी. एंड बिलीव मी गाइज, अगर ये ब्रांड अच्छे से काम नहीं करता है देन मैं आपको बताऊँगी क्या हुआ है पास्ट में, क्या नहीं हुआ है. आई डोंट नो के और किसी भी यूट्यूबर के साथ ये पर्टिकुलर ये ब्रांड कुछ है या नहीं किए हैं या कुछ, मैं नहीं जानती. बट या व्हाट इट डिड टू मी, आई डोंट थिंक ये कुछ अच्छे अच्छा ये है. इनका जो रिस्पॉन्स है बहुत ही गंदा है. तो मैं बताऊँगी. ओके, सो फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू हैव टू हिट द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई पुट अ न्यू वीडियो ऑन माई चैनल यू द नोटिफिकेशन फॉर दिस वीडियो एंड यू कैन सी माई वीडियोज एज सून एज पॉसिबल. सो या
दिस इज इट फ्रॉम माई एंड. नेक्स्ट वीडियो विल बी कम बैक सून. टिल देन टाटा बाय बाय. अच्छे से रहना.